मॉर्निंग गाइस, तो आज है संडे और मैं उठ चुकी हूँ। ये जो कपड़े दिख रहे हैं ओवरलॉक की मशीन है, तो रात में मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, सीख लिया है। अब मुझे इसी का काम मिला हुआ है, मुझे बनाना है ये धोती, ये वाली जो कि आप देखते हो कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो हम लोग को काम भी आज यही मिला हुआ है। ये हमको रेडी करना है, क्योंकि मैंने शॉपिंग से लेके आई हूँ, ये रेडी कर दूँगी, उसके बाद तो और मिलेंगे क्योंकि मेरा काम नया है। एंड आज से आएंगी नई लड़कियाँ भी। मैंने यहाँ पर तीन मशीन रख लिए हैं, एक दो तीन, और इन तीनों पर काम होगा। एक मैं करूँगी और दो लड़कियाँ हैं। वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, उसके लिए वेरी सॉरी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो डे बाई डे आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो मैं अभी उठ चुकी हूँ और जल्दी जल्दी मैं, जब से मेरा काम स्टार्ट हुआ है, मैं सुबह के 4 बजे उठ जाती हूँ, 3 बजे उठ जाती हूँ। मुझे टाइम का कुछ ख्याल ही नहीं है, कभी भी उठ जाती हूँ और काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद से अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे होगा सारी अपडेट आपको मेरे साथ मिलते रहेंगी। तो मैं अभी उठ गई हूँ, मैं झाड़ू पोछा करूँगी, थोड़ी देर सिलाई करूँगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी, लड्डू गोपाल को उठा के उसके बाद से खाना वाना बनाएंगे। आज सारे बच्चे घर पे भी हैं और आज लड़कियाँ भी आएंगी काम सीखने के लिए, फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। आज मैं बालों के लिए एक हेयर ग्रो कराने वाली हूँ। आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ये मैंने कल ही हेयर स्टाइल बनाया था, बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये देखिए यहाँ पर चोट भी लगी हुई है, ये देखिए बहुत ज़्यादा गहरा चोट लग गया था, और मेरे हाथ में सुई आर पार हो गई थी नेल्स में से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बट स्ट्रगल से कभी हार नहीं मानना चाहिए, जो मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हेयर फॉल के लिए क्या करने वाली है, सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के लिए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिस ना हो। बज के 2 मिनट और मैंने सारी लैसेज चढ़ा लिए हैं, कुछ ठीक बनी है कुछ गलत बनी है, फिर उधेड़नी पड़ेगी। अब लड़कियाँ एक रोमटो चढ़ाऊँगी और जो ठीक बनी है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। अभी मैं जा रही नहाने, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ साफ कर लूँ, उससे पहले मैं अपने हेयर का DIY कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा हेयर कॉल थोड़ा सा कम हो जाए और हेयर में जो रफनेस है ड्राइनेस है वो ठीक हो जाए। तो क्या करना है चलो बताते हैं, वीडियो देखते रहिएगा। मैंने ले लिया फिल्टर पानी और ये है ग्रीन टी, विटामिन सी वाला टेस्टी साइन ग्रीन टी, लेमन एंड हनी है इसमें, विटामिन सी है, विटामिन ई भी ऐड होता है, काफ़ी अच्छा होता है ये बालों के लिए और स्किन के लिए। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो देखते हैं ये कितना हद तक असर करता है। चारों पैकेट्स को मैं पानी में ऐड करूँगी और इसको उबाल लूँगी पहले, तो चलिए इसको फाड़ के पानी में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने फाड़ के इसमें डाल दिए सारे पैकेट, अब इसको गैस जला दिया है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी में उबलने देंगे। जब ये उबल जाएगा तो इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसको बालों की जड़ों में अप्लाई करेंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद वॉश करेंगे और बताएँगे आपको रिजल्ट कैसा आया इसका। और इसका जो टी बैग है ना, उबलने के बाद इसको फेंकना नहीं है, इसको आप अपने आईज़ पे या कहीं भी डार्क स्पॉट्स पे रखोगे तो आपका जो डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल है, आईज़ में जो पफनेस आती है, वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। देखिए कलर चेंज होने लग गया पानी का, और ये एक पैकेट भी काफ़ी होती है, बट मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो मैं इसको 3-4 पैकेट मैंने डाल दिए हैं। तो इनके अच्छे से उबल रहा है, तो ये उबल चुका है, इसको पानी में ही छोड़ देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब
लगता है वो ठंडा हो रहा है, मैं इसको ओवरलोक करने के लिए कर लिया है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं ओवरलोड। और ये मैंने कर लिया है, ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो इसका जो टी बैग है इसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसको हम लोग बालों में अप्लाई करेंगे। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। बालों को खोल लेते हैं और अच्छे से अप्लाई करेंगे। ऐसे भी गिर रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा ही वर्क करेगा फेस पे भी। इस तरीके से बालों में लगा के अच्छे से मसाज करना है और उसको आधे घंटे के लिए बालों में ही छोड़ देंगे। अच्छे से मैंने बालों में लगा लिया है। ये पूरा टपक रहा है बालों में। तो इसको हम लोग आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। फेस पे भी लगा लिया है मैंने। चलिए इसको आधे घंटे तक, एक घंटे तक छोड़ेंगे। उसके बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश करने से पहले मैं जा रही हूँ वॉशरूम साफ करने अपना। टपक रहा है पूरा बालों में से। जो ग्रीन टी है इसको, इसमें हम लोग शैम्पू ऐड करेंगे और इससे बालों को वॉश करेंगे। फ्रेंड्स, काम करते करते हो गए बुरी हालत। अभी सुबह से शाम हो गया, मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने वॉशरूम साफ किया, कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े थे एंड इतने सारे पीसेज भी तैयार किए हैं। यहाँ पे कुर्सी पे रखा है, यहाँ रखा है। आज से एक लड़की ने लड़की को जॉब पे भी रख लिया है और बहुत सारा काम किया। रात में भी काम बाकी है। और जो मैंने ग्रीन टी लगाया था बालों में, उससे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। झड़ने की बात करें तो 50-60% तक आपको फर्स्ट यूज़ में ही रिजल्ट पता चल जाएगा। उसका जो बचा हुआ पानी था उसमें मैंने शैम्पू ऐड करके उसको भी यूज कर लिया था। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो ये सारी पीसेज मैंने बना ली हैं, अभी बहुत सारी हैं। हो सकेगा तो कल पूरा रेडी करके एंड पहुंचा देंगे नेक्स्ट माल के लिए, सॉरी नेक्स्ट पीसेज लेके आऊँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। कल है मेरा बर्थडे तो कल का ब्लॉग जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग प्यार और सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।